सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एंड आ चुके एक और स्पेशल व्लॉग के साथ। तो आज कुछ ज्यादा स्पेशल दिन है क्योंकि आज मेरा म्यूजिक शूट होने वाला है। मैंने बोला है पारस से कि भाई आज के दिन म्यूजिक वीडियो शूट करना है, बट फिलहाल आज के दिन, आज 21 तारीख है, कल धनतेरस है, तो कल आज मतलब लाइट भी लगनी है घर में, तो वो भी देखना पड़ेगा। एंड फिलहाल अभी यहाँ पर क्या है कि अभी मेरी एडिटिंग चल रही थी, एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद अब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं अपने मेन चैनल का, जो कि मेरा गेमिंग चैनल है। एंड उसमें वीडियो डालने के बाद अभी यहाँ पर अपना व्लॉग भी आने वाला है नया आज का। फिलहाल उस व्लॉग को जल्दी से जाके देख लेना क्योंकि 11 बजे व्लॉग आ जाएगा। एंड गाइस, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया था, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। एंड फिलहाल आज एक म्यूजिक वीडियो शूट होगा क्योंकि आज मुझे पूरा टाइम देना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्लिप पे आज म्यूजिक वीडियो की शूट कर लेते हैं क्योंकि हम हर जगह जाके शूट नहीं कर सकते। आजकल अंधेरा भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जा रहा है, 5 से 6 बजे अंधेरा और जल्दी हो जा रहा है। एंड फिलहाल लाइट वगैरह भी देखनी पड़ेगी यहाँ पर। एंड उसके बाद भाई आज एक और चीज है, आज मेरी स्पेशल वॉच आने वाली है जो कि मैंने मंगाई थी अमेजोन से। अभी वो आती है, वो तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा भाई वो कैसे तरीके की वॉच है, कैसी है। तो भाई वो भी चाहिए थी म्यूजिक वीडियो के लिए। गाइस चेक आउट द न्यू व्लॉग, आ चुका है व्लॉग, डल चुका है जग, जल्दी से जाके लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड प्यार दिखाओ, कमेंट करके गुलाबी दिल। पर इस समय मेरे घर पे लाइटिंग हो रही है, पर पापा लाइट लगा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूं ऊपर देखने, देखते क्या हो रहा है भैया। अच्छा तो ये देख सकते हो यहां पर लाइटिंग लग रही है ऊपर भाई, सामने सामने फ्रंट में सही लगता है। इस तरीके से देख सकते हो किस तरीके से कबाड़ भरा हुआ है यहां पर, स्टोर रूम छोटा सा बना रखा है ये। और यहां से ऊपर है सीढ़ी जो कि जंग लगी हुई सीढ़ी, लोगों को दिखाता हूं मैं, खतरनाक सीढ़ी देख सकते हो भाई। टॉप का व्यू है, ऊपर से व्यू देखने बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर। तक तो रहा सामने रतन सॉलिटर के सामने मेरा जिम है। काम ना करना लाइट, कुछ काम ना करना खाली बस। इतनी नीचे पूरी जा नहीं रही है। तो फिलहाल मेरी वॉच आने वाली थी, उसका भी कंफर्मेशन कुछ भी मैसेज मुझे आया नहीं है अमेजोन से, तो जैसे ही आता है उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई वॉच कैसी है। तो यहाँ पर कपड़े सुखानी मुंह ढके रहती है। तो फिलहाल आज मेरा म्यूजिक वीडियो शूट करने भी जाना था मेरे को, तो पर यहाँ मुझे लगता नहीं शूट करने जा पाऊंगा। कॉल करना पड़ेगा मेरे को पारस वगैरह से, पूछना पड़ेगा कि क्योंकि कह रहा था वो चीज़ पहले वॉच आ जाए, वॉच आने के बाद फिर हम लोग म्यूजिक वीडियो शूट करने जाएंगे। तो फिलहाल इस छत में मैं बहुत कम आता हूँ क्योंकि ये बहुत ऊपर है, टंकी वाली छत है, तो इसमें ज़्यादा आता नहीं हूँ। तो जब भी आते हैं भाई बहुत ही ऊँची छत है, और उसका जो पीछे का नज़ारा है ना तुम देख सकते हो भाई, पीछे बहुत सुंदर है यहाँ पर। यहाँ पर मैं बहुत कम ही आता हूँ, फिलहाल जब यहाँ पर आता बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पर अब ठंडी आ रही है तो धूप बहुत अच्छी आएगी, तो यहाँ पर सुबह सुबह सोच रहा हूँ यहीं पर यहीं आ जाया करूँगा, जब मुझे ठंडी लगेगी सबसे टॉप पर आऊँगा तो सूरज ऊपर से ही मुझे धूप दे देगा आराम से। पुरानी वाली झालर क्यों रखी हुई है? पुरानी नहीं दिखाई, कौन सी? ये हरी हरी, ये हरी और ये देखते हैं कहीं सेट करेंगे बाद में। भाई जिस हिसाब से ऊपर धूप है ना, वैसे तो बहुत अच्छी है ठंडी के लिए, पर बहुत ज़्यादा 2-3 घंटा रहोगे तो बहुत भाई पसीना आने लग गया था। फिलहाल झालर लगा ली है, और भी बहुत सारे डब्बे मैंने ही खोले, आधे से ज़्यादा 15-20 डब्बे मैंने ही खोले होंगे। इनको देखो भाई हर समय मुंह छुपाए रहती हैं। अजीब कैरेक्टर, एकदम अजीब कैरेक्टर। फिलहाल अभी नानू के घर के पास एक डिलीवरी वाला खड़ा था अमेजोन का, मुझे लगा मेरी वॉच का डिलीवरी होने वाली है, पर वैसा कुछ कॉल ऑल आया नहीं और ना नोटिफिकेशन आया है। मुझे क्या पता क्या मंगाया होगा, मुझे लगा कि मेरा डिलीवरी वाला होगा कॉल कर रहा होगा, पर ऐसा कोई कॉल वॉल आया नहीं मेरे को। भाई एक टी शर्ट और जो शर्ट थी वो तो 2 मिनट के अंदर आ गई थी, फिलहाल अभी जो वॉच है वो टाइम ले रही है। देखो हो सकता है भाई आज हो जाए या कल हो जाएगी। तो फिलहाल अपनी हम्बल को साफ कर ले भैया, क्योंकि कल 2 दिन से गंदी पड़ी हुई है, क्योंकि अभी म्यूजिक वीडियो में भी गाड़ी को साफ रखना बहुत जरूरी है, वरना यार गंदी संदी गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो नीचे से भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है इस समय, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार या तो पानी से इसको धुलवा लूँ, पर ज़्यादा गाड़ी ऐसी गाड़ियों को पानी से धुलवाने में दिक्कत होती है, इसलिए सोच रहे कपड़ा मार दे रहा मैं। तो चलो भैया सफाई अभियान शुरू करते हैं। मुझे 1-2 घंटा लगने वाले इसको साफ करने के लिए। तो फिलहाल 2 घंटे की मेहनत के बाद ही पूरी गाड़ी साफ हो चुकी है, एक एक अंदर अंदर तक मैंने पार्ट इसके साफ करें, और अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा अभी भी थोड़ी बहुत गंदी रह गई है बीच बीच में कहीं पर, तो अभी फिलहाल इतनी काफ़ी है। तो अभी मैं तुम लोग को इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ एक बार। तो
फाइनली अपना खाना आ चुका है भाई, कुछ भी काम करने के बाद जो भूख लगती है उसके बाद बहुत बढ़िया लगता है खाना खाना। तो फिलहाल अभी 1:15 हो चुका है और अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर तुम लोग एक चीज़ बता देना, मेरा अभी तक वॉच नहीं आई है, उसका कोई भी मैसेज नहीं आया कि भाई वो आज ही डिलीवर करके आएगा, मतलब कुछ ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। क्योंकि पहले और भी मैसेज आ जाते हैं, जैसे शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह आती है तो पहले ही मैसेज कर देता है कि आज आने वाली है, हो सकता है कल आए या शाम तक आज हो जाएगी डिलीवर। गाड़ी साफ हो चुकी है, पहला काम हो चुका है, वॉच नहीं आई है। जब तक वॉच नहीं आएगी तब तक हम म्यूजिक वीडियो भी शूट नहीं कर सकते। तो फाइनली मुझे मैसेज आ चुका है, मेरी घड़ी आने वाली है और यहाँ पर तुम लोग को दो दो घड़ी दिखा रही होगी, इसमें ओटीपी आ चुका है, उन्होंने ओटीपी भेज दिया है। और इसका जो डिलीवरी एजेंट है वो दोनों सेम है, मतलब पारस ने भी इसको ऑर्डर किया था सेम टाइम पे मैंने भी ऑर्डर किया था, मतलब सेम वॉच, सेम कलर और वही ब्रांड की वॉच है। और एक ही एजेंट इसको देने आएगा, मतलब पहले उसके घर जाएगा डिलीवरी करने, फिर वो मेरे घर ही आएगा डिलीवरी करने। तो ये बड़ी चीज़ कॉमन हो गई यहाँ पर। और मुझे लगा था कि आगे पीछे एक दिन मतलब ये लोग डिलीवरी करेंगे, पर फिलहाल अभी तो यहाँ पर आउट ऑफ डिलीवरी के लिए दिखा रहा है। फिलहाल ये बहुत जल्दी आने वाला है मेरे घर पे, फिर मैं तुम्हें वॉच दिखाऊंगा, उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, फिर हम लोग जाएंगे अपना म्यूजिक वीडियो शूट करने पारस नानू के साथ। क्योंकि सोमू तो बाहर गया हुआ है कहीं, तो वो कह रहा था मैं बाहर जाना है मेरे को, तो वो कहीं गया है, फिलहाल उसे बाद में मिलवाऊंगा। और अभी म्यूजिक वीडियो में भाई तुम लोगों को पता है कि हम लोग को 4 लोकेशंस पहले फाइनल करनी पड़ेगी, देन उसमें वहाँ पर शूट होगा, उसके बाद वो सही रहेगा। क्योंकि पूरे दिन में आज मुझे लगता है पूरा अच्छे से शूट क्लिप्स नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है सोचने में, उसके बाद रिकॉर्ड करने में, और उस टाइम क्या चल रहा है वो भी नहीं पता होता है। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे 3 दिन के अंदर शूट खत्म हो जाएगा, तो अच्छी बात है, म्यूजिक वीडियो तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो भाई डिलीवरी वाले इतना परम, मतलब क्या बताऊं, क्योंकि अभी पारस को उसने वॉच डिलीवर कर दी और उसका आधे घंटा हो चुका है, मतलब आधा 1 घंटा हो चुका है और अभी भी डिलीवरी करने नहीं आया, मतलब वो मेरे आसपास इस इलाके के आसपास ही घूम रहा हुआ है, ठीक है, घूम रहा है और अभी तक यहाँ पर मुझे वॉच देने नहीं आया। भाई पता नहीं क्या, और सेम वॉच है, मतलब सेम आइटम है, तो उसको भी डिलीवर हो चुका है, घंटा ज्यादा हो चुका है, तब भी अभी वो देने नहीं आया वॉच, जा रहा उसको कॉल करने, उसके बाद वो शायद आ जाए। सो फाइनली अभी 4 बज रहे हैं और 4 बजे अब जाके ये मेरी वॉच यहाँ पर डिलीवर हुई है। और फिलहाल अब इसको खोल के देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या है। आप उसको फाड़ के देखते हैं भैया क्या है अंदर चीज़। ओके, तो इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है, जो मेरी टी शर्ट और वो सब आई, मतलब अगर अमेजोन से अगर आप महंगा आइटम मंगा रहे हो तो उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होगी, अगर आप कोई सस्ता आइटम मंगा रहे हो तो उसकी पैकिंग 2 कौड़ी की उसी की तरह की होगी। वैसे बात भी सही है, आप यार अगर 200-300 रुपये की चीज़ मंगाओगे उसमें क्या ही पैकिंग मतलब होगी, है ना। तो यार वही बात है कि जितना पैसा लगाओगे उतनी ही अच्छी चीज़ मिलेगी, उतनी ही अच्छी सर्विस भी मिलेगी। पर फिलहाल अब इसको खोल के देखते हैं। अभी पारस ने मंगा ली वॉच पर उसको स्टार्ट करना नहीं आ रहा वॉच। भाई अपनी आ गई ब्रांड न्यू वॉच, देख सकते हो गाइस, अपनी बोट की है ये, और ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा, इसका एक गोल्डन वर्जन है, इसका गोल्डन वर्जन मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं सोचा था वो भी मंगा लूँ, पर यार ब्लैक अलग ही आता है, ब्लैक का एक अलग लुक आता है, क्योंकि जब गोल्ड निकल जाएगा ना वो भी बेकार हो जाएगा, वो ब्लैक में ही आ जाएगा, तो इसलिए ब्लैक बेस्ट है। तो चलो भैया इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। वॉच एक्सटेंड की वॉच है भाई बोट की, और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं KL राहुल। ओके, तो भाई यहाँ से हम लोग इसको फाड़ के देखते हैं आराम से। मेरे नाखून ही काफ़ी, मुझे नाइफ की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ऐसी चीज़ों को मैं तमीज़ से खोलता भी नहीं हूँ भाई, कोई महंगी चीज़ हो या कैसी भी चीज़ हो, बस आई है तो फिर इसको फाड़ो जल्दी, एकदम गिफ्ट रैपिंग की तरह खोलना। तो भाई अब तो ये फट भी नहीं है सही में, मेरे नाखून कमज़ोर हो गए इसके आगे, चलो पन्नी फट जाए एक बार। ओके गाइस, फाइनली पन्नी फट चुकी है, देख सकते हो तुम लोग। और इसके अंदर 200 से ज़्यादा फेस वॉचेस है, मतलब फेस वॉचेस का जो आगे का वॉलपेपर देख रहे हो, 200 से ज़्यादा मैं अपने फ़ोन से सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड साथ में इसके अंदर एलेक्सा भी है, साथ में आप बहुत सारी चीज़ें भी हैं, अदर बहुत सारे अलग अलग फ़ीचर हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम बनाते हैं इस वॉच को। ये देख सकते हो गाइस, लिटरली अपनी वॉच आ चुकी है सामने, और देख सकते हो तुम लोग काफ़ी ओपी लग रहा है। बोट का वॉच एक्सटेंड का यहाँ पर वो लगा हुआ है, अभी फिलहाल इसको हम आराम से निकालते हैं। वॉच आ चुकी है, आओ एक क्या भाई, ये पहले हम लोग रुको, देखो ये चीज़ तो कोई नहीं पड़ता, ठीक है, ये 1 साल की वारंटी है, अच्छा ठीक है इसको मुझे रखना पड़ेगा। अगर गाइस आपको जो चीज़ खरीद रहे हो तो 1 साल की वारंटी वाली चीज़ें रख लिया करो। साथ में मुझे एक केबल मिली है, इस केबल को भी खोल के देखते हैं भाई साहब अपनी। ओके, तो ये केबल है हमारी नॉर्मल वाली, भाई अजीब सा चार्जर है, देख सकते हो इसका पोर्ट, देखो इसका पोर्ट एकदम अलग है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो भाई इसका पोर्ट एकदम अलग है और बाकी USB वाला है। एंड यहाँ पर कुछ बुकलेट्स हैं, इनको साइड में रखो फिलहाल। अब अपन की वॉच सामने आ जाती है भाई साहब, अपन की वॉच आ चुकी है, ये रहा इसका बैंड, और इसको मैं निकाल लेता हूँ धीरे से, तो हम हटाते हैं।
भाई साहब देख सकते हो कितना प्रीमियम और ग्लासी लुक लग रहा है। तो फाइनली अभी इसको मैंने अपने हाथ में पहन लिया, अब इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ओके, तो मैं तुम्हें इस वॉच के एक प्रीमियम फीचर दिखा देता हूँ। ये मैग्नेटिक वाला चार्जर है, इसको नॉर्मली ऐसे करोगे तो चिपक जाता है ईजिली, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस पर यहाँ पर करो चिपक जाएगा अपने आप। फिलहाल मैंने अभी वॉच चार्ज होने लगा दी है और इसमें मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके इससे कनेक्ट कर लिया था, तो इजिली हो सारा काम हो चुका है, वॉच वगैरह आ चुकी है। अब कल तो देखना पड़ेगा कि कल हम लोग जाते हैं कि नहीं शूट करने, क्योंकि कल तो धनतेरस है तो कल हम लोग को घर पे ही रहना पड़ेगा। फिलहाल अगर टाइम मिला तो शूट कर लेंगे, वरना अब तो दिवाली के बाद ही होगा और यार इस बार म्यूज़िक वीडियो में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। एंड तुम लोग को एक बैड न्यूज़ बताना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर मेरे जो गेमिंग चैनल में उसमें सेकंड स्ट्राइक आ चुकी है वे फालतू की, मुझे नहीं पता किस बात की, बट अब मैंने अपील कर दी है, अगर अपील यूट्यूब वालों ने देख ली तो हो सकता है वो स्ट्राइक वापस हटा देंगे। एंड देखते हैं उसके बाद आगे क्या होता है, क्योंकि भाई ये सब झमेला पाल लेते ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ, 5:12, 5:13 समथिंग हो रहा है और अभी 6 बजे फिर मुझे जिम जाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं जिम से वापस आ चुका हूँ और अभी इस वक्त यहाँ पर भाई कालीन बिछा सकते हो, इस तरीके से अभी सोफा पूरा सेट करना पड़ेगा, इस कालीन को बीच में बिछाएंगे तो बहुत अच्छा सा लुक आएगा। कितने साल पुरानी है यार? रखी थी संभाल के, अभी धोई मैंने, थोड़ी चौड़ी होती है ज्यादा अच्छी लगती है, रेक्टेंगल में बहुत ज्यादा। अरे ठीक है, फिलहाल ये सब सेट हो गया, अभी ठीक ही लग रहा है बिल्कुल, अगर थोड़ा सा और यहाँ तक होता तो मजा आती, इसको भी आगे करते हैं। पूरा नहीं होता है, हाफ होता है, रेड 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 बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, रेड वॉल रेड सोफा रेड कालीन। एक चीज की कमी है रेड में, यहाँ पर पीले में ये टेबल पीली है, पर देख सकते हो कालीन से मैच हो रही है। आप देखो भाई क्या सही लुक लग रहा है, मतलब रेड 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 और उसके बाद ऊपर देख सकते हो इसके साथ एकदम थासू मैच हो रहा है। तो मैंने कहा इस चीज की कमी है, तो देख सकते हो भाई फ्लावर पॉट एकदम अब लग रहा है भाई साहब एकदम ओपी सीन। बट अभी इसके कवर आ जाएंगे जो कि मैंने मंगा रखे हैं अमेजोन से, वो कल तक आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी इस व्लॉग को यही एंड करते हैं गाइस, और बहुत ज़्यादा वैसे भी बहुत बड़ा व्लॉग बन चुका है, तो कल का व्लॉग जरूर देखना। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग पे।